नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसी के साथ क्रिप्टो एडॉप्शन से जुड़ी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। तो आते हैं सबसे पहली अपडेट की ओर, जो यहां पर स्पेन से जुड़ी, और स्पेन की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी यहां पर आगे आई हुई है, टेलीफोनिका, जो इन्वेस्ट करने वाली है बिट2मी में। अगर हम बिट2मी की बात करें, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंटर करने वाला है। मतलब इससे पहले इनके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था कि यहां पर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो क्रिप्टो करेंसी को यूज करने वाले हैं, जहां पर क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट इनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अब अगर आप देखें, एक और अनाउंसमेंट यहां पर इन्होंने की है कि स्पेन का एक बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट2मी है, जिसमें यहां पर इनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर हम अभी की बात करें, यह अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं इनके द्वारा की गई है, टेलीफोनिका इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट2मी। अगर हम टेलीफोनिका की बात करें, फोर्थ लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है यूरोप की, जिन्होंने यहां पर डिसाइड किया हुआ है कि वो अब क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस में एंटर करने वाले हैं, जो एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। अगर हम क्रिप्टोकरेंसी के एडॉप्शन की बात करें, कहीं ना कहीं यहां पर लगातार एडॉप्शन है वर्ल्ड वाइड, वो क्रिप्टो का ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं अगली अपडेट की ओर, जो एक और पॉजिटिव अपडेट है ब्लॉकचेन से जुड़ी। जापानीज गेमिंग जाइंट सेगा टू लॉन्च फर्स्ट ब्लॉकचेन गेम, जहां पर जापान का एक बड़ा गेम जाइंट आप देख सकते हैं, एक बड़ी कंपनी सेगा, जिसने यहां पर अनाउंसमेंट की है कि वो अपना पहला ब्लॉकचेन गेम लेकर आने वाले। मतलब ऐसा गेम जो यहां पर ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा, सेगा के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया। अगर हम सेगा की बात करें, जापान की एक काफी बड़ी गेमिंग कंपनी है, जिसने यहां पर अनाउंसमेंट की है कि वो फर्स्ट ब्लॉकचेन गेम लेकर आने वाला है, और कोलैबोरेशन आप देख सकते हैं यहां पर डबल जंग टोक्यो के साथ होने वाला है, जो एक और जापान की डेवलपमेंट कंपनी है। अगर हम इस गेम की बात करें, बहुत जल्द इस पर जो वर्क है इनके द्वारा शुरू किया जाएगा, और उसी के साथ यहां पर एक तरीके से ब्लॉकचेन पर जुड़ा हुआ यह गेम होगा। तो इससे आप यहां पर ब्लॉकचेन का जो फ्यूचर है उसका पता लगा सकते हैं। मतलब अगर ब्लॉकचेन यहां पर फ्यूचर में बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो कहने के जो क्रिप्टो का एडॉप्शन है वो भी यहां पर ग्रो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों यहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगली अपडेट की अगर हम बात करें, यहां पर एक और बार जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उनका यहां पर प्रेडिक्शन देखने को मिल रहा है, और एक और बार उन्होंने यहां पर जो ट्वीट है वो किया हुआ है यूएस डॉलर को लेकर, और उनका यह कहना है यूएस डॉलर विल क्रैश बाय जनवरी 2023 सजेस्टिंग पीपल बाय पीटीसी, जहां पर इनका यह कहना है कि जो यूएस डॉलर है वो और क्रैश होता हुआ नजर आ सकता है जनवरी 2023 में। यहां पर जो क्रैश है वो और ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको यहां पर कुछ बाय करना है तो आप यहां पर बीटीसी को बाय कर सकते हैं। मतलब इनका सजेशन आप देख सकते हैं, इससे पहले भी लगातार यहां पर ये बीटीसी और क्रिप्टो को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें, रिच डैड पुअर डैड के ये ऑथर है, जो काफी ज्यादा सेल होने वाली बुक है, और पहले भी इनके प्रेडिक्शन यहां पर देखने को मिले थे, और फिर से यहां पर आगे हुए जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया हुआ। इसके अलावा अगर हम यूएस सेनेटर की बात करें, यूएस सेनेटर लुमिन्स का यहां पर एक और स्टेटमेंट आया हुआ है, इनको भी यहां पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो को सपोर्ट करते हुए देखा जा रहा है। बीटीसी कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड डेट गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट कॉन्फिस्केट द क्रिप्टो करेंसी, जहां पर इनका भी यही कहना है कि बीटीसी को कोई भी यहां पर रोक नहीं सकता है, और अगर रोकना है तो यहां पर इन्फ्लेशन को रोकिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ऐसा यहां पर इनका कहना है। यूएस की गवर्नमेंट को जो लगातार यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकामयाब होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम अगली अपडेट की बात करें, जो यहां पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से जुड़ी हुई है, उज्बेकिस्तान इंट्रोड्यूसेस मंथली फीस फॉर क्रिप्टो करेंसी कंपनीज, जहां पर उज्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के लिए यहां पर जो नया स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी कंपनीज यहां पर वर्क कर रही है उन्हें यहां पर मंथली फीस देना पड़ेगी। मतलब यहां पर जो फीस है वो मंथली इनके द्वारा डिडक्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर इंडिया से जुड़ी क्या अपडेट निकल कर आ रही है, इंडियन अथॉरिटी सेड इट हैज फ्रोजन मोर क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बीटीसी टेदर एंड द वजरेक्स टोकन, जहां पर इंडिया के द्वारा मतलब ईडी के द्वारा फिर से कुछ करेंसीज को यहां पर फ्रीज किया गया है। मतलब कल आपने देखा था जो अपडेट्स निकल कर आई थी ईडी के द्वारा, यहां पर जो वजरेक्स से बाइनेंस पर ट्रांसफर किए गए थे बीटीसी, एक गेम आप देख सकते हैं ई नगेट से जुड़ा ये अपडेट है, मोबाइल गेमिंग ई नगेट से जुड़ी ये अपडेट्स निकल कर आ रही थी, और अब अगर आप देखें यहां पर फिर से कुछ और बीटीसी को इनके द्वारा सीज किया गया है, ऑलमोस्ट 86 बिटकॉइन, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर कुछ अदर कॉइंस जो है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए निकल कर आ रहे हैं। अगली अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं, एसीसी के द्वारा यहां पर एक बड़ा अमाउंट चार्ज किया गया है कीम कैडेशियन पर,
और यहां पर आप देख सकते हैं 1.26 मिलियन डॉलर का फाइन यहां पर इनके द्वारा लगाया गया, एसीसी के द्वारा इस पर लगाया गया। उसका एक रीजन है कि यहां पर इन्होंने क्रिप्टो टोकन का प्रमोशन किया था इथेरियम मैक्स का, और इनसे ये पूछा गया था कि आपको खुलासा करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करिए कि कितने का यहां पर आपने जो अमाउंट है वो लिया हुआ है। 2,50,000 डॉलर का यहां पर जो अमाउंट है वो इनके द्वारा लिया गया था, लेकिन इसे यहां पर ये डिस्क्लोज नहीं कर पाए, जिस वजह से जो फाइन है वो एसीसी के द्वारा इन पर लगाया गया है, जो ऑलमोस्ट यहां पर 1.26 मिलियन डॉलर का है। दोस्तों अगर हम अभी के समय में मार्केट की बात करें, मार्केट आप देख सकते हैं 19 और 20 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। बीटीसी और कहने के जितने भी कॉइन्स हैं वो यहां पर अभी बीटीसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो अभी भी यहां पर देखने को मिल रही है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ जाए, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। हम आपको मिलते किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।